वहीं कुशीनगर में करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया। गंभीर हालत में लाइनमैन को दुर्गेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया और मथौली नगर के लोहेपार में फॉल्ट बनाने दौरान ये हादसा हुआ। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की घटना है ये और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से झुलसा हुआ लाइनमैन नीचे दिख रहा है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के घटना का ये घटना है और गंभीर हालत में लाइनमैन का अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसको। अगली खबर फिरोजाबाद से है जहां पर बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मिसाल पेश करते हुए गाय की सेवा कर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज की इस पहल से लोगों में खुशी दिखी जा रही है। मामला उत्तर थाना क्षेत्र के गौशाला का है जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों ने गाय को पहले माला पहनाई, इसके बाद उन्हें फल खिलाकर अगले 3 दिनों तक इसी अच्छी तरह से सेवा की गई, त्योहार मनाने की बात कही गई। ईद उल जुहा के मौके पे लोग कुर्बानी करते, हम गाय की सेवा करेंगे, इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का अच्छा संदेश जाए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे, दंगा फसाद इससे दूर हो, मोहब्बत कायम रहे हमारे जिले फिरोजाबाद में। इसलिए हमने ये गाय का 3 दिन तक इंद्रेश कुमार जी का संपर्क है, 3 दिन तक गाय की सेवा करना, हम 3 दिन तक ईद उल जुहा पे गाय की सेवा करेंगे बराबर 3 दिन तक। वही बहराइच में बच्चों के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले जिसमें कई लोगों को चोट आई है। ये मामला फखरपुर इलाके के वजीरगंज का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दो पक्षों में विवाद आगे बढ़कर लाठी डंडे चलने में तब्दील हो जाता है और ये भिड़ंत आप देख सकते हैं कि कितना सीरियस, दो गुटों में भिड़ंत होती है, लाठी डंडे चलते हैं और ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि ज्यादा चोटिल भी हो सकते हैं सामने वाले लोग। बागपत में भी दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में किसी बात पर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट होने लगी। मारपीट होने से सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगली तस्वीर बागपत से है जहां पर फिर से मारपीट देखने को मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। आपसी विवाद को लेकर के दो गुटों में मारपीट शुरू हुई, मारपीट लाठी डंडे और पथराव में भी तब्दील हो गई, लेकिन वहां जान बचाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर में बोरिंग के दौरान निकले मलबे से दबा युवक और लगातार बारिश के बाद बोरिंग से निकली मिट्टी में दबा युवक। बोरिंग देखने गया था युवक, मिट्टी में दबा, ग्रामीणों की मदद से मिट्टी में दबे युवक को निकाला गया है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडवारा थाना क्षेत्र के सिरोन गांव का मामला है ये। तो बोरिंग के वक्त ये हादसा हुआ मलबे में। बोरिंग के वक्त जैसे ही मलबा बाहर निकाला गया, वो मलबा उल्टा उस शख्स पर गिर गया जिसकी वजह से वो दब गया। हालत नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मडावर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं नोएडा में लुटेरों का आतंक देखने को मिल रहा है। लुटेरों के आतंक की एक और तस्वीर आपके सामने है। बाइक सवार लुटेरे महिला से दिन दहाड़े मोबाइल लूटकर फरार हो गए। ये मामला थाना 24 इलाके का बताया जा रहा है। इस दौरान महिला काफी दूर तक घसीटती हुई दिखाई दे रही है जिससे महिला को चोट भी काफी आई है। महिला की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। 4 दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि ये इनके बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 4 दबंगों ने युवक के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। 4 दबंगों की आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से 4 दबंग अंदर घुसते हैं और उसके बाद युवक की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर देते हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।